कोकी बनाने के लिए हम दो कटोरी हमने आटा लिया है। हम इसमें इसी कटोरी से हमने आटा लिया था, अब हम एक कटोरी बेसन डालते हैं और इसे मिलाते हैं। इसमें हम देखिए थोड़ी सी लाल मिर्च डालते हैं, ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। थोड़ा नमक डालते हैं, थोड़ी हल्दी डालते हैं, ये है पिसा जीरा डालते हैं, और ये थोड़ी अजवाइन ऐसे हाथ से दर्द भी करके डालते हैं। कसूरी मेथी दो चम्मच, कसूरी मेथी ली है छोटे चम्मच, धनिया पत्ती और ये एक मीडियम प्याज, मीडियम साइज का प्याज बारीक बारीक काट लिया है, ये डालते हैं। और इसमें हम करीब दो चम्मच तेल डालते हैं, आप घी का भी मोयन दे सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। और जैसे रोटी और पराठे का आटा गूंथते हैं वैसे गूंथ लेंगे। ये देखिए आटा गूंथ गया है, अब इसके ऊपर और थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए कोकी बनाना हम शुरू करते हैं। हमने इतनी बड़ी लोई ली है और इसमें हल्का सा हम सूखा आटा लगाएंगे। तवा मैंने ऑन कर दिया है और देखिए मैं भारी तवा लिया है मैंने, पराठे के लिए मैं हमेशा भारी तवा लेती हूँ। क्योंकि इसके गूथने की प्रक्रिया में हम तेल डाल चुके हैं, फिर ऊपर से भी हम तेल लगा चुके हैं, तो इसे हम अंदर तेल लगा के जैसे फोल्ड करते हैं वैसे करने की जरूरत नहीं, सीधे हम ऐसे बेल सकते हैं। तवा गर्म हो गया है, अब हम इसमें ये डालते हैं और इसे हल्का सा पहले थोड़ा सूखा सिकने देते हैं, तब तक हम अगली कोकी भी बेल लेते हैं। ये देखिए कोकी को मैंने तवे पे डाला है और एक बार हल्का सा सूखा सेका है, अब इसमें हम तेल लगाते हैं और सेकते हैं। ये एक बहुत ही लोकप्रिय नाश्ता है और ये सिंधी डिश है, इसे आप नाश्ते में बना सकते हैं, इसे आप अगर कहीं ट्रेवलिंग के लिए जा रहे हैं तो भी आप बना के ले जा सकते हैं, ये बहुत दिनों तक चलती है। ये देखिए हमारी स्वादिष्ट कोकी तैयार है, आप भी इसे बनाइए, घर वालों को खिलाइए, खुद खाइए, और ये आपको अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।